दोस्तों एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने एक नई उड़ान भरी है। इस उड़ान ने ट्रिपल आर, पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों ने और आगे की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसीलिए फैंस बेसब्री से साउथ इंडियन मूवीज के रिलीज का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही फिल्में ही नहीं जिन्होंने अपनी अलग कहानी और सिनेमा एक्सपीरियंस से फैंस के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि कुछ और भी मूवीज है जिनकी कहानी धांसू और जबरदस्त है। आई थिंक ये सारी मूवी आप तक नहीं पहुंच पाई होगी। आप इन फिल्मों को ओटीटी पर भी देख सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये अंडररेटेड मूवीज आपको अलग दुनिया में लेकर जाएगी और अलग ही एक्सपीरियंस कराएगी। एक किसान पर इल्जाम है कि उसने 3 मोर को जान से मारकर अपने खेत में दफना दिया है। माँ और बेटे जो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ उन्हें मरे हुए लोग दिखते हैं। लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा की शर्त ये है कि एक दिन के लिए उनके मोबाइल एक्सचेंज किए जाएंगे। ये सुनकर आपको क्या लग रहा है, कुछ अलग ना? बस इन फिल्मों में भी आपको कुछ ऐसी ही कहानियां देखने को मिलेगी, तो फिर देर किस बात की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि साउथ इंडियन की 5 अंडररेटेड मूवी के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है कदेसी विवासाई। एम मणिकंदन की फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई एक तमिल ड्रामा मूवी है। इसमें नलंदी नाम का एक 85 साल का किसान है। विजय सेतुपति और योगी बाबू भी है। राइटिंग और डायरेक्शन के अलावा मणिकंदन ने फिल्म का निर्माण किया है और सिनेमाटोग्राफी का भी डायरेक्शन किया है। ये भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल रही है, लेकिन इसे बेस्ट तमिल फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इस फिल्म को आप सोनी लीप पर भी देख सकते हैं। नंबर 2 पर है तिरु चित्रम्बलम। ये एक तमिल भाषा में बनी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसे मित्रन आर जवाहर ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसमें धनुष, नित्या मेनन, प्रकाश राज, राशि खन्ना और प्रिया भवानी शंकर सहित कई स्टार्स मौजूद है। कहानी एक डिलीवरी बॉय की है, लेकिन काफी दिलचस्प है। इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 पर है भूत कलम। इस फिल्म में एक घर में माँ और बेटा रहते हैं। उस घर में और भी लोग रहते हैं, लेकिन वो किसी और को दिखाई नहीं देते। कहानी ऐसी है कि आप रात भर नहीं सो पाएंगे। मगर क्यों? क्योंकि ये मलयालम भाषा में बनी एक हॉरर मूवी है, जिसे राहुल सदाशिवन ने लिखा है और डायरेक्ट भी उसी ने किया है। इस फिल्म में रेवती और सेन निगम लीड रोल में है। नंबर 4 पर है यशोदा। इस एक्शन थ्रिलर तेलुगु मूवी को हरी शंकर और हरीश नारायण ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। इसमें समंता रूथ प्रभु लीड रोल में है। ये कहानी सरोगेसी से जुड़ी हुई है। इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन, वरलक्ष्मी, शरद कुमार और मुरली शर्मा भी मौजूद है। नंबर 5 पर है लव टुडे। ये एक रोमांटिक ड्रामा तमिल मूवी है। इनके राइटर एंड डायरेक्टर प्रदीप रंगनाथ है। इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की है। उनके अलावा इवना, रवीना रवि, योगी बाबू, सत्यराज और राधिका शरद कुमार भी है। तो दोस्तों ये रहे साउथ इंडियन की 5 ऐसे अंडररेटेड मूवी जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर फेल रही है, लेकिन इनकी कहानियां जबरदस्त है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन मूवी में से कोई भी मूवी देख चुके हैं तो कॉमेंट में उस मूवी का नाम जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।